जीवन साथी ना हो ना फ्रेंड, तो चाहे लाख खुशियां इंसान के पास हो, लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। मम्मी का घर दिखाएंगे तो आज आप लोगों को घर दिखाते हैं कि किस तरह का है। ये देखिए, यह है सामने का कमरा। पहले बहुत अच्छा था जब हमारे पापा थे, लेकिन इस समय पूरी तरह से खंडहर बन चुका है कि इसकी गिर चुकी है, सिर्फ दीवार खड़ी है। और ये देख सकते हैं, सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी हनहनाने के लिए लकड़ियाँ। चलिए और अंदर दिखाते हैं क्या है, कैसा है। स्वागत है आप सभी का इस गरीब की कुटिया में और प्यारे से महल में, अपने घर में। आइए आप लोग यहाँ से करते हैं एंट्री। और ये तो होंगे ही फ्रेंड्स, से देखिए यही सहारा है हमारे मम्मी के लिए, क्योंकि अकेली है तो और है नहीं कोई। हाँ, इंसान से ज्यादा वफादार कितना प्यार है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। और दिखाइए, और ये हमारी मम्मी बर्तन धो रही हैं। अरे यहीं पे पास में छोटी सी बगिया है जो कोई खास ज्यादा नहीं है। और आइए फ्रेंड्स, ये एक रूम जो भी बेकार हो चुका है, आइए इसका दिखाते हैं आपको अंदर का नजारा कैसा है। शायद अंधेरा हो तो दिखे ना। ये देखिए, ये भी छत फ्रेंड पूरी तरह से टूट चुकी है। पहले यहाँ किचन हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। पापा के जाने के बाद सारा घर पूरा वीरान खंडहर सा हो चुका है। कुछ इसमें ने रहने लायक ऐसा है ही नहीं। ये सारा कमरे खाली पड़े हैं, जो जहां है सब कुछ वैसा ही है। अब इस घर में कोई रौनक ही नहीं है फ्रेंड्स। ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कुछ बचा हो, सब कुछ पूरी तरह से वीरान और खाली हो चुका है। ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, देखिए नीचे। क्योंकि ये कभी कहते ना कि हालत है छत की, जो बारिश में पूरा पानी अंदर आता है, बिल्कुल बाहर जाता ही नहीं है। इतनी तरह से बहुत बुरी हालात, बहुत खराब हो चुके हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं अब जो इस समय का वर्तमान का कंटिन्यू का हमारा किचन है मेरी मम्मी का, वो दिखाते हैं आपको। और ये रहा कंडा, हाँ इन्हें खाना बनाने के लिए लकड़ी के साथ यूज करते हैं कंडा। क्योंकि थोड़ा छोटा है घर, लेकिन महल है अपना प्यार का, मेरे पापा का बनाया हुआ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ, बहुत शांति है। इसीलिए जब से हम आए मान ऐसे ही रखा है, क्योंकि अंदर रखने के लिए कोई उतनी खास जगह नहीं है कि बारिश की वजह से सारा पानी अंदर आता है। और अभी का हमारा यहाँ का है किचन, देखिए यहाँ ये रहा आपका किचन, जहाँ आप खाना बनता है। यहीं पर बस रहना, खाना, सोना, सब इतनी छोटी सी जगह में हमारी मम्मी कर रही है। बिल्कुल इतने ने खराब हालात है कि क्या बताए। बस जो कुछ आप लोगों के सामने है, जस्ट ये है फ्रेंड्स। गया में पिंडदान किया गया था हमारे पापा का, उसके लिए हवन कुंड बनाया है, जो अभी जस्ट चंद महीनों पहले हुआ, हम नहीं थे यहाँ पर। और उसी के लिए सब होता है, जो कुछ रीति रिवाज वो की गई है, परंपरा अपनी निभाई गई है। और ये है घर का पूरा लुक और पूरा नज़ारा कैसा है। आप लोग जरूर इसके बारे में कमेंट करके बताइए कि ऐसे स्थिति में एक इंसान रह सकता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम और मजबूरी होगी कि इस हालात में हमारे मम्मी को रहना पड़ता है। ये देखिए, यहाँ फ्रेंड्स ने रखी थी कुछ लकड़ियाँ, ये भी सब भीग गई क्योंकि यहाँ भी छत नहीं है। और दिखाओ अंदर, इतना अच्छा पूरा फ्रेंड्स घर पूरी तरह से एकदम वीरान बन चुका है, पूरा खंडहर बन चुका है। यहाँ वैसा कुछ रह ही नहीं गया है रहने लायक, बस मात्र थोड़ी सी जगह में अपनी खाना बना के रहना। उतने में इन्हें एक खटिया की जगह में ही मम्मी पूरा यूज़ करती हैं, क्योंकि अकेली हैं तो इतना सारा, इतना बड़ा घर देखने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं है।
इसलिए घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 5 साल ही हुए हैं हमारे पापा को, नहीं है, लेकिन 5 सालों में ही इतना हंसता खेलता घर पूरा एकदम से खंडहर बन चुका है, वीरान बन चुका है। और हम अपनी वीडियो के शूट में रह जाते हैं फ्रेंड्स, अपनी माँ की मदद हेल्प कर नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी इन्हें प्रॉब्लम है जो आप लोगों से हमने पहले बताया था। ऐसा नहीं है कुछ मम्मी कर लेती हैं, कुछ हम कर लेते हैं, बस क्योंकि हम और मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, चंद लोग ही हैं जो मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं। तो मम्मी कैसा लगता है इस घर में पापा के न रहने पे? अभी तो दिख ही रहे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा लगना चाहिए सब पता है, क्या बताऊं क्या कहूं। तो ये घर छोड़ के हमारे साथ क्यों नहीं रहते? चलो नहीं जाऊंगी मैं, अपने घर में रहूंगी। फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं ना कि अपनी माँ को अपने साथ रखिए, आप उनके जुबान से सुन सकते हैं कि वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती हैं। अपना घर घर होता कैसा भी हो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पापा की यादें बसी हैं जो उनके जीने के लिए बहुत है, उन्हीं यादों के सहारे जी रही हैं और उसी के कहती हैं कि जब तक अंतिम सांस मेरी है तो इस घर में ही रहे, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगी। कुछ था शरीर से सब, लेकिन आज 4-5 सालों में जब से पापा नहीं है तो इस तरह की इनकी हालत बन गई, हर वक्त रोना, बस खाना पीना नहीं, एक वक्त का खाना बनाती हैं और उसे 2-3 दिन तक ही खाते रहती है, बस रोना और कुछ नहीं है। अभी तो फिलहाल हम लोग हैं तो थोड़ा मन में चेंजेस है, थोड़ा सबसे बोलना हंसना हंसी मजाक बच्चों में घुल मिल गई है तो उतना कम है, लेकिन वो पापा की यादें कभी नहीं मिट सकती हैं फ्रेंड्स। जब तक इनकी लाइफ है तो वो इनके साथ ही रहेगी। और भी कहा था कि इन्हें अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छी तरह से रखिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये परंपरा और रीति रिवाज है कि जो इन्हें ज़्यादा एज की औरतें इस तरह हो जाती हैं, इतना ही कहना चाहिए, सब हंसते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं कि बुढ़ी हो गई, विधवा हो गई, फिर भी ऐसा चाल से चलती है। तो इस तरीका के बिताना चाहती हूँ कि ताकि दुनिया हमारे पर हंस ना सके। अब क्या वजह थी, क्या बात थी, आप लोग इनकी जुबान से सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, पास काफी अच्छे कपड़े, काफी सब कुछ है, लेकिन वो उन्हें यूज नहीं करना चाहती हूँ, कहती हैं कि बस सिर्फ 2 वक्त का भोजन भगवान दे रहे हैं वही, और एक कपड़े में तन ढका हुआ है जो अपनी मर्यादा को लेके आखिरी वक्त तक हम चले जाना चाहते, नहीं अच्छे तरीके से रहना चाहती, नहीं कुछ। इसके लिए हम लोग जोर जबरदस्ती भी आप लोगों के कमेंट्स के हमने जवाब दिए, बस इसी तरह देख रहे हैं जो कुछ है आपके सामने है। आज हमने इनकी पूरे घर की स्थिति दिखा दी, जो इनके हालात हैं आप लोगों ने इनके जुबान से सुना है, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हैं अपने बारे में, बस जो कुछ है तो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी जय श्री राधे राधे प्रिय मित्रों, आप सभी कैसे आशा करते हैं स्वस्थ हों, सुरक्षित हों अपनी फैमिली के साथ, बस प्यारा सा कमेंट करिए मेरी माँ के लिए। आगे आपको इनके बारे में और बताएंगे कि हमारे पापा का देहांत कैसे हुआ, वो नेक्स्ट भाग और नेक्स्ट वीडियो में।